नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल फर्स्ट इन्वेस्टमेंट पे। मैं हूं आपका दोस्त शिवांश मसीन। आज की वाली जो वीडियो होने वाली है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है आप लोगों के लिए। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कल जो जून की मंथली एक्सपायरी है उस पर कैसे ट्रेड करना है, किस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर सकती है और कौन से ऐसे फीचर्स हैं, जो टूल्स हैं जो मैं यूज़ करता हूँ एक पॉइंट पता लगाने के लिए कि मार्केट की डायरेक्शन या अपसाइड रहेगी या डाउनसाइड रहेगी या साइडवेज रहेगी। सो वो आज आप लोगों को पूरी नॉलेज प्रोवाइड होगी। कैसे हम लोग ऑप्शन चेन को स्टडी करते हैं, कैसे हम लोग मल्टीपल ओपन इंटरेस्ट को देखते हैं, मल्टीपल स्ट्राइक्स ओपन इंटरेस्ट को देखते हैं एंड FII डाटा को देख के अपना डिसीजन लेते हैं, सारी बातें करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। इस पे कैसे रीड करा जाता है, कैसे स्टडी करा जाता है, उसके एक डेडिकेटेड वीडियो में लेकर आऊंगा। अगर आप लोग इस वीडियो के अंदर 1000 लाइक्स लेकर आते हैं, यस गाइस, अगर 1000 लाइक्स आते हैं तो वो एक डेडिकेटेड ब्रीफ ऑप्शंस को कैसे देखा जाता है, पढ़ा जाता है, उसकी एक डेडिकेटेड वीडियो आप लोगों के सामने प्रेजेंट होगी। सो यहां पर आज हम लोग कोई भी स्टॉक्स के बारे में बात नहीं करने वाले, बिकॉज मार्केट इज वेरी वॉलेटाइल, हम लोगों को ज्यादा रिस्क नहीं लेना एंड कल जून की एक्सपायरी भी है तो हम लोगों को अभी ज्यादा कोई रिस्क वाले ट्रेड्स पे एंटर या अपनी पोजीशन नहीं बनानी है। जो हमारे पास ऑलरेडी है उन्हें आप लोग अपने स्टॉप लॉस एंड टारगेट के साथ होल्ड करे हुए, ठीक है। सो आज हम लोग ब्रीफली निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की स्टडी करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट निफ्टी की स्टडी करेंगे, ठीक है। सो चलिए चलते हैं, पहले चार्ट्स की स्टडी करते हैं एंड उसके बाद हम लोग आते हैं अपने ऑप्शन चेन्स पे। सो जैसा कि आप यहां पर आ चुके हैं, मैंने निफ्टी का सेटअप आप लोगों के सामने ओपन करा हुआ है। आज हम लोग निफ्टी को बिल्कुल थॉरली समझेंगे कि कल और नेक्स्ट मंथ जो जुलाई का है उस पर किस तरीके से हम लोगों को लग रहा है कि मार्केट की एक्चुअल में मूवमेंट कैसी रह सकती है, क्या मार्केट यहां से अच्छा खासा नीचे जा सकता है, क्या यहां से मार्केट और अपने हाईस को बना सकता है। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि यहां पर बहुत कुछ सीखने के लिए आप लोगों को मिलने वाला है, ठीक है। तो हम लोग निफ्टी के ऊपर ही पूरी एनालिसिस करेंगे, बैंक निफ्टी पे हम लोगों को पता चल जाएगा कि निफ्टी के सेंटिमेंट से बैंक निफ्टी ही चलता है, तो हम लोगों को उसका सेंटिमेंट ऑलरेडी पता चल जाएगा, ठीक है। सो सबसे पहले बात करते हैं टेक्निकल्स की, उसके बाद चलेंगे ऑप्शंस पे, ठीक है। सो टेक्निकल्स पे सीधा आप लोगों को पहली चीज जो एक चीज दिख रही है वो क्या दिख रही है कि निफ्टी ने यहां पर एक डबल टॉप टाइप सिनेरियो क्रिएट करा है। अगर आप यहां देख पा रहे होंगे, निफ्टी ने एक डबल टॉप टाइप सिनेरियो को क्रिएट करा है, ठीक है। मैं आप लोगों को यहां पर दिखाना चाहूंगा, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ये देखिए, ये एक टॉप है एंड ये एक टॉप है। सो यहाँ पर निफ्टी ने एक डबल टॉप पैटर्न को क्रिएट करा एंड उसके बाद वहां पर हम लोगों ने एक हेवी सेलिंग देखी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों को एक चीज पता है कि निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है और निफ्टी मतलब हम लोगों को पता है कि बुलिश है। अगर हम लोग RSI को देखते हैं, सो RSI पे आप लोग एक चीज देखिएगा कि निफ्टी यहां से ऊपर की तरफ है बट RSI में हम लोग देख रहे हैं कि एक बियरिश डाइवर्जेंस हम लोगों को देखने को मिल रहा है और वो बार बार नीचे जा रहा है, ठीक है। सो यहां पर हम लोगों को एक पता चल रहा है कि RSI के अंदर एक बियरिश डाइवर्जेंस है, निफ्टी ने एक डबल टॉप पैटर्न क्रिएट करा है, तो यहां पर हमारे पास एक अच्छा सिनेरियो है। एक चीज हमें पता चल रही है कि मार्केट यहां पर बियरिश है, मार्केट के बियरिश सिग्नल है। सो गाइस, सबसे पहले तो अभी वीडियो को पॉज करिए, कॉपी और पेन दोनों को अपने सामने रखिएगा, जो जो मैं लेवल्स बोल रहा हूं ना उन्हें नोट करते रहिएगा, ये आपका फ्यूचर में बहुत ज्यादा काम आने वाला है, ठीक है। क्योंकि यहां पर मैं समझा दूंगा तो आप लोग अपने लेवल्स को भूल जाएंगे। सो कॉपी पेन पे लेवल्स को नोट करिए, जैसे जैसे मैं बताऊं उसे नोट करिए एंड मुझे स्क्रीनशॉट भेजिएगा कि मुझे पता चले कि आप लोगों ने मेरी बात को सुना है, ठीक है। सो अब बात करते हैं, थोड़ी और फर्दर स्टडी करते हैं इसके ऊपर ही, ठीक है। अब आप लोग आते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। सो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ना हम लोग थोड़े से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड करने की कोशिश करते हैं, एक्चुअल में मार्केट वर्क कैसे कर रही है, ठीक है। ओके, सो यहां पे सपोर्ट जो सबसे पहले मुझे देखने को मिल रहा है, सबसे पहले सपोर्ट्स को फाइंड करते हैं, ठीक है। एक सपोर्ट तो ये है क्योंकि यहां पर पहले इसने सपोर्ट लिया एंड सेकेंड टाइम इसने यहां पर सपोर्ट लिया। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें एक रेजिस्टेंस की, तो एक रेजिस्टेंस मुझे देखने को मिल रहा है एग्जैक्ट एट दिस लेवल पे, क्योंकि यहां पर इसने एक डबल टॉप टाइप सिनेरियो क्रिएट करा। आज के मार्केट पे भी हुआ था, गैप ओपनिंग हुई, उसके बाद हम लोगों ने एक हैवी सेलिंग आते हुए देखी है और मार्केट कंटिन्यूसली नीचे ही जाते हुए देखने को मिला, ठीक है। अब यहां पर एक डबल टॉप टाइप सिनेरियो बना है, हम लोग RSI पे डाइवर्जेंस देख रहे हैं, तो हम लोगों को पता चल गया है कि ये एक बॉटम, ये एक सपोर्ट है और ये एक टॉप है। सो यानी कि जो मार्केट है ये इस रेंज के अंदर वर्क कर सकती है, क्या हो रहा है, मार्केट इस रेंज के अंदर वर्क कर सकती है। अब रेंज की बात करें तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, कॉपी में लिखिएगा जो निफ्टी का रेजिस्टेंस है वो है 15,930 का, 15,930 का मार्केट का निफ्टी का रेजिस्टेंस है। सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट जो है 15,460 का सपोर्ट है, क्या है, सपोर्ट है फॉर 15,460 का सपोर्ट।
अब मार्केट पे, अब नीचे लिखेगा आप लोग निफ्टी रेंज, निफ्टी की रेंज लिखेगा तो 15,460 से लेके 15,930 की रेंज है, ठीक है, क्योंकि मार्केट इसी के रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रही है। अब आप एक चीज देखिएगा, मार्केट एग्जैक्ट अपने मिड पॉइंट पे है, ये जो टॉप है और ये जो बॉटम है एग्जैक्ट उसके मिड पॉइंट पे है। सो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग इसका एक पुट शॉर्ट कर सकते हो एंड इसका एक कॉल को शॉर्ट करके चल सकते हो। एक स्ट्रैटेजी तो आप लोग ये बना सकते हो, क्योंकि अगर आप लोगों को लगता है कल एक्सपायरी इसी रेंज के अंदर रह सकती है, ठीक है। इसके अलावा यहां पे हम लोगों ने एक चीज तो फाइंड कर ली है, अब कंटिन्यूसली हमें एक चीज तो पता चली है, टेक्निकल एनालिसिस हम लोगों को एक चीज बता रहा है कि एक्चुअल में जो निफ्टी है वो बियरिश है, ठीक है, निफ्टी एक बियरिश है। अब एक बार कंपेयर करते हैं निफ्टी को इंडिया विक्स के साथ, कि इंडिया विक्स हमें क्या बता रही है और निफ्टी हमें क्या बता रही है, ठीक है। सो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा एक बार कंपेयर करके। या यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने इंडिया विक्स का ओपन करा हुआ है एंड मैंने निफ्टी को ओपन करा हुआ है, ठीक है। सो यहां पे हम लोग इसका डेली चार्ट ओपन कर लेते हैं हम अपने इंडेक्स का, ओके। सो यहां पर आप लोग क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है, क्या हो रहा है। सबसे पहले हम लोगों ने आके देखा इंडिया विक्स ऊपर जाना स्टार्ट कर रही है, अभी इंडिया विक्स है 15 रुपए के आसपास और इंडिया विक्स का जो लो था वो था ऑलमोस्ट 11 रुपए का, ठीक है। सो हम लोगों को एक चीज पता चल रही है कि इंडिया विक्स अभी अपने लो से, बहुत टाइम इसका लो था, मतलब एक साल पहले था जब लोगों ने कोविड आया था और एक शार्प फॉल मार्केट के अंदर देखी थी, एग्जैक्ट उसी लो को टेस्ट करके जब इंडिया विक्स ऊपर गया था 12 रुपए को टेस्ट करके जब इंडिया विक्स ऊपर गया था तो हमारी मार्केट 12,000 से 7,500 रुपए आ गई थी। और अब हम लोगों ने क्या देखा, किसने दोबारा 12 लेवल को टेस्ट करा, 12 को टेस्ट करा और ऊपर जाना स्टार्ट कर रही है। अगर कल ये 15.5 या 16 रुपीज के आसपास पहुंच जाती है इंडिया विक्स या 17 तक भी पहुंच जाती है तो हम लोग इंडिया निफ्टी के अंदर एक मार्केट के अंदर एक हेवी सेलिंग आते हुए देखने को मिल सकती है, ठीक है। यहां पर हम लोगों को एक चीज पता चल रही है कि अगर इंडिया विक्स, आपको ये चीज नोट कर सकते हैं, एक बुलेटिन बनाइए कॉपी के अंदर, अगर इंडिया विक्स फॉल करती है तो हमारी मार्केट फॉल करती है, अगर इंडिया विक्स बढ़ना स्टार्ट करेगी तो हमारी मार्केट गिरना स्टार्ट करेगी। अब पॉइंट समझ रहे हैं, अगर इंडिया विक्स फॉल करती है तो हमारी मार्केट बढ़ती है, अगर इंडिया विक्स बढ़ती है तो हमारी मार्केट गिरती है, ऑपोजिट होता है, ठीक है। तो ये आप लोग अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए इसे नोट कर सकते हैं। अब हमें हायर चांसेस देखने को लग रहे हैं कि इंडिया विक्स बढ़ सकती है, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हमारी मार्केट भी गिर सकती है। एक पॉइंट हमें पता चला, टेक्निकल एनालिसिस हमें बता रहा है एक डबल बॉटम है, इंडिकेटर बता रहा है कि आरएसआई का डाइवर्जेंस है, अगर हम लोग कंपेयर कर रहे हैं इंडिया विक्स के साथ तो वो बता रहा है कि देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि मार्केट यहां से गिर सकती है क्योंकि इंडिया विक्स अब ऊपर जाना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा क्रूड ऑयल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, 80 तक पहुंच चुका है तो वो भी हमारे लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, डॉलर इंडेक्स 92 पे ट्रेड कर रहा है तो वो हमारे लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं ऑप्शंस पे, सो ऑप्शंस पे निफ्टी पे क्या हो रहा है उसके बारे में फर्दर स्टडी करते हैं। सो अब बात करते हैं कि ऑप्शंस पे किस तरीके से हम लोगों को लग रहा है, ऑप्शंस के डाटा हमें क्या बता रहे हैं कि मार्केट की डायरेक्शन अपसाइड या डाउनसाइड किस तरफ रह सकती है। सो यहां पर मैं जो ऑप्शंस के डाटा को स्टडी करने के लिए जो वेबसाइट का यूज करता हूं वो मैं करता हूं सेंसेबल। सेंसेबल एक बेस्ट वेबसाइट है, इसमें बहुत ईजी है, हमें सारी चीजें बता देता है, हमें ज्यादा एक्सेसिव एनालिसिस नहीं करनी पड़ती है, हमें ज्यादा माइंड का यूज नहीं करना पड़ता क्योंकि ज्यादातर चीजें ये ऑलरेडी हमारे सामने प्रेजेंट कर देता है। सो इसीलिए मैं इसका यूज करता हूं, मेरे पास ऑलरेडी इसका प्लान है। तो सबसे पहले चलते हैं ऑप्शन चेन के डाटा की तरफ। सो यहां पर मैं ऑप्शन चेन के डाटा की तरफ आ चुका हूं, यहां पर मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं यहां पर जो एक्सपायरी आपको शो कर रही है वो है 24th of June की। निफ्टी देख सकते हैं, निफ्टी का ऑलरेडी आप लोगों के सामने विजिबल है एंड ये रही ऑप्शन चेन का डाटा, ठीक है। यहां पर ऑप्शन चेन के डाटा पे मैंने सिर्फ ओपन इंटरेस्ट और एलटीपी ही रखा हुआ और स्ट्राइक प्राइस, हमें यहां पर ज्यादा नीड ही नहीं है, हमें डेल्टा गामा थीटा, हम लोगों को सिंपल एनालिसिस पसंद है, हम लोगों को ज्यादा एक्सेसिव करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, कि एक लेमन पर्सन भी इसको आराम से समझ पाए। अब यहां पर सबसे पहले देखिएगा कि निफ्टी की क्लोजिंग क्या है, निफ्टी की क्लोजिंग है 15,700 पे, मतलब ऑलमोस्ट उसके पास है तो हम लोग वही मान के चलेंगे, वही हमारी एट द मनी है। So, अब बात करते हैं 15,700 की, 15,700 की। सो यहां पर आप लोग देखेगा ये जो रेड कलर के आपको दिख रहे हैं, ये रेड कलर के हम लोगों को बता रहे हैं कि एक बियरिश है और जो ये ग्रीन कलर हमें बताता है कि बुलिश है, ठीक है। आप लोग इतना तो समझ जाएंगे, जो रेड कलर से आपको दिख रहा है वो बियरिश है, जो ग्रीन कलर से आप लोगों को दिख रहा है वो बुलिश है। अब आपको देखना है कि जो लेफ्ट साइड में वो कॉल्स हैं एंड राइट साइड में पुट्स हैं।
अब यहां पर आप देख रहे हैं कॉल साइड में सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बन रहा है, ठीक है। बट आप लोगों को लग रहा है यार ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में बन रहा है तो यहां पर बायर्स होंगे, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ज्यादातर हम लोग देखते हैं कि मार्केट के अंदर ऑप्शन राइटर्स होते हैं, ऑप्शन सेलर्स होते हैं। तो ये जो आप लोगों को रेड कलर से दिख रहा है, ये हमें पता लग रहा है कि कॉल को शॉर्ट करी जा रही है, और ये जो पुट आपको दिख रहा है इससे पता चला कि यहां पर पुट्स को शॉर्ट करी जा रही है, ठीक है। अब एक चीज आपको समझनी है, अगर पुट शॉर्ट होती है दैट मीन्स बुलिश है, अगर कॉल शॉर्ट होती है दैट मीन्स कि बियरिश है। सो यहां पर आप लोगों को देखकर क्या लग रहा है कि पुट ज्यादा शॉर्ट हुई है कि कॉल ज्यादा शॉर्ट होते हुए देखने को मिल रही है। यहां पर कोई भी बता देगा कि यार कॉल सबसे ज्यादा शॉर्ट हो रही है अकॉर्डिंग टू पुट्स, ठीक है, इन कंपेरिजन टू पुट्स कॉल सबसे ज्यादा शॉर्ट हो रही है। अब आप देखिएगा यहां पर परसेंटेज देखिए, ये देख रहे हैं एट द मनी से 15,650 पे 111% का ओपन इंटरेस्ट। आप देख रहे हैं कितने ज्यादा लोग यहां पर कॉल्स को शॉर्ट करके बैठे हुए हैं। इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हैं 15,600 पे 15,700 पे देखिएगा 233% तक हम लोगों ने यहां पर ओपन इंटरेस्ट देखा। तो हैवी कॉल राइटिंग हो रही है, हम लोगों को देखने को मिल रही है 15,700 15,800 के आसपास। अब यहां पर हम लोगों को पता लगाना है कि यार हम लोगों ने टेक्निकल्स पे तो देखा कि 15,900 एक लेवल है जो कि एक रेजिस्टेंस का एक्ट कर रहा है। हमें कॉल साइड में पता लगता है कि रेजिस्टेंस क्या है, पुट साइड में पता लगता है कि सपोर्ट क्या है, ठीक है। हमने टेक्निकल्स पे तो देख लिया कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, अब आप नीचे लिखेगा ऑप्शन ऑप्शन चेन सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ठीक है, ऑप्शन चेन सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सबसे पहले आपने ऊपर टेक्निकल लिखना था पहले पेज पे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड कर लिया, कॉन्क्लूजन निकाला बियरिश, ठीक है। अब आप आ गए ऑप्शन चेन पे, आप लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिखना है, उसके बाद हम लोग नीचे कॉन्क्लूजन लिखेंगे, ठीक है। यहां पर आपने देखा यार कि सबसे ज्यादा जो कॉल राइटिंग हो रही है, सबसे ज्यादा जो ओपन इंटरेस्ट बना है वो बना है 15,800 पे, और उसके बाद बना है 15,900 पे। सो एक चीज पता चल रही है कि 15,800 भी ब्रेक करना अपर साइड में बहुत ज्यादा मुश्किल है। कल के ट्रेडिंग सेशन के अंदर क्लोजिंग हुई है 15,700 की। सो हमें एक चीज पता चल रही है कि कल एक्सपायरी है, तो 15,800 निकलना इज वेरी डिफिकल्ट। अब क्या हो सकता है, यहां पर एक सिनेरियो बन सकता है, कल बाय चांस एक गैप ओपन होता है और 15,800 पे ही खुलता है और वहां से कंटिन्यूसली ऊपर जाना स्टार्ट करता है। अगर कल 15,800 के ऊपर एक घंटा भी वहां पर उसके ऊपर सस्टेन कर जाता है, 15,800 के ऊपर एक घंटा अगर सस्टेन कर जाता है निफ्टी, तो यहां पर जिन लोगों ने भी कॉल को शॉर्ट करा हुआ है, यानी कि जो लोग बियरिश है, वो लोग कॉल से निकलना स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही वो लोग कॉल से निकलना स्टार्ट करेंगे तो मतलब कॉल बाइंग हो रही है ना, इन लोगों ने तो कॉल को शॉर्ट कर रखा है, शॉर्ट कर जब इनको एग्जिट करना होगा तो उसके लिए वो लोग कॉल को बाय करेंगे, जब कॉल को बाय करेंगे तो वहां पर शॉर्ट कवरिंग होगी, उसकी वजह से मार्केट और ऊपर जाएगी। सो अगर एक सिनेरियो बनता है कि अगर 15,800 के ऊपर एक घंटा सस्टेन कर ले तो हम लोग 15,800 की कॉल को बाय कर सकते हैं, क्योंकि कॉल एक्सेसिव पे बाय होगी, एक तो बायर्स लोग भी बाय करेंगे और जो कॉल को शॉर्ट करके बैठे हुए वो लोग भी बाय करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और जो टारगेट होगा वो 15,880 तक का या 15,900 तक का होगा, उससे ऊपर नहीं होगा, क्योंकि 15,900 पे भी हाई लेवल के कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। ये तो एक सिनेरियो है अगर बाय साइड में है, बाय तभी करना है जब एक घंटा 15,800 के ऊपर क्लोज करता है, वरना बाय भी नहीं करना, ठीक है। अब बात करते हैं, क्योंकि बाय का सिनेरियो मैंने आप लोगों को इसलिए बताया क्योंकि ज्यादातर चीजें हमें इंडिकेट कर रही है सेल साइड में, बट अगर रिवर्स हुआ तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि कैसे ट्रेड करना है, ठीक है। आई होप मैं आप लोगों को इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूं तो आप लोगों को समझ में आ रहा हो। अब बात करते हैं बियरिश के। सो हम लोगों को एक चीज तो पता चल गई कि 15,800 टू 900 पे एक्सेसिव कॉल राइटिंग हो रही है, तो ये लेवल शायद ब्रेक ही ना करे, मतलब इसके नीचे ही ट्रेड करेगा। अब इसके अलावा हम लोग देख रहे हैं कि अगर हम लोग मान के चले तो 15,750 से लेके 15,700 के अगर मैं ओपन इंटरेस्ट को या कॉल्स को देखूं तो टोटल 70 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहां पर हम लोगों ने जनरेट होते हुए देखा। सो अगर एक घंटा या आधा घंटा भी 15,700 के नीचे भी ये सस्टेन कर लेता है, 15,700 के नीचे अगर ये आधा घंटा भी रुक जाता है तो वहां पर एक हम लोग अच्छी सेलिंग आते हुए देख सकते हैं। अब सेलिंग आएगी तो सपोर्ट तो कहीं लेगा ना,
कहीं पर तो सपोर्ट लेगा, हमें ऑप्शन चेन पे पता चल गया कि 15,800 टू 900 एक रेजिस्टेंस है, ये आप लोगों ने निकाल लिया। अब पुट साइड में हम लोगों को सपोर्ट फाइंड करना है, सो एक्सेसिव पुट ओपन इंटरेस्ट हम लोगों को देखने को मिल रहा है 15,600 पे, उसके अलावा हम लोगों को 15,500 पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। सो हमारे लिए जो सपोर्ट है वो 15,600 से 15,500 है। अब एक चीज हमें पता चली, हम लोगों ने जब टेक्निकल्स का यूज करा तो हम लोगों को एक वाइडर रेंज मिली थी जो कि 15,500 से 15,900 थी, ठीक है। यहां पर भी अगर हम लोग ऑप्शन ऑप्शन चेन का डाटा देख रहे हैं तो हमें भी वो पता लग रहा है कि 15,500 में भी एक सपोर्ट है और 15,900 भी एक रेजिस्टेंस है, बट इन बिटवीन 15,800 भी एक रेजिस्टेंस बन रहा है और 15,600 भी एक सपोर्ट बन रहा है, ठीक है। सो यहां पर हम लोगों को कॉशियसली ट्रेड करना है, हमें इससे यह पता चल रहा है कि हमें 100 रुपए की रेंज मान के चलना है। अगर 15,700 ब्रेक होता है तो 15,600 का पहला टारगेट होगा, अगर 15,800 ब्रेक होता है तो 15,900 का टारगेट होगा। अब 15,700 से लेके 15,800 के बीच में कोई भी ट्रेड नहीं करना। ऑप्शन चेन हमें यह बता रहा है कि 15,700 से 15,800 तक हमें कोई भी ट्रेड नहीं करना, वो एक नो ट्रेडिंग जोन है, ठीक है। अब यहां पर मैं अगर इन्फो पे जाता हूं तो इन्फो पे आप लोग देख रहे हैं ना पीसीआर हमें इंडिकेट करता है पुट कॉल रेशियो, पुट कॉल रेशियो है 0.83%। ये हमें बता रहा है कि मार्केट ना ज्यादा बुलिश है ना मार्केट ज्यादा बियरिश है, मार्केट एक साइडवेज के अंदर है। अगर मार्केट साइडवेज के अंदर है तो वहां पर हमें एक इंडिकेशन मिल सकती है कि शायद मार्केट 15,700 से 15,800 पे भी रह सकती है, बट अगर आधा घंटा नीचे रहती है तो 100 रुपए से 200 रुपए के टारगेट्स आपको आराम से मिल जाएंगे, और अगर मार्केट ऊपर रहती है तो आपको 100 से 200 रुपए आप लोगों को बहुत इजीली मिल सकते हैं। ऑप्शन चेन हमें यह बता रहा है, ऑप्शन चेन की स्टडी कर ली, कॉन्क्लूजन बता हमें लगा कि ऑप्शन चेन भी हम लोगों को बियरिश बता रहा है, क्यों, क्योंकि कॉल राइटिंग सबसे ज्यादा हो रही है अकॉर्डिंग टू पुट राइटिंग, और हम लोग कॉन्क्लूजन में लिख सकते हैं साइडवेज टू बियरिश, कॉन्क्लूजन में हम लोग लिख सकते हैं साइडवेज टू बियरिश, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, ऑप्शन चेन देख लिया, टेक्निकल देख लिया, अब नीचे आप लोग हेडिंग डालिए ओपन इंटरेस्ट, ठीक है, ओपन इंटरेस्ट की हेडिंग डालिए। सो ओपन इंटरेस्ट के मैं डाटा पे आ चुका हूं। अब यहां पर हमारे लिए ओपन इंटरेस्ट का डाटा फाइंड करना सेंसेबल पे बहुत ईजी है, मैं इसके लिए डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो बनाऊंगा अगर इस वीडियो के अंदर 1,000 likes आते हैं, ठीक है, और अगर 10,000 या 12,000 व्यूज भी क्रॉस हो जाते हैं। सो यहां पर आप लोगों को सबसे पहले पता लगाना, ये देखिएगा हमें एक चीज क्या पता चल रही है, रेड कलर पे जो है वो रेड कलर हमें जो बार है वो बता रहा है कि कॉल साइड है, और जो ग्रीन कलर का बार है वो हमें बता रहा है पुट। सो यहां पर आप लोगों को एक चीज तो पता चल गई, हम लोग सारी सेलिंग साइड में बात कर रहे हैं, राइटिंग साइड में बात कर रहे हैं। सो अगर ये कॉल हमें शो कर रहा है, हमें इससे पता चल रहा है कि कॉल राइटिंग हो रही है, मतलब कॉल को बेचा जा रहा है, और पुट अगर हमें शो कर रहा है तो हमें बता रहा है कि वो पुट को बेचा जा रहा है, पुट पे सेलिंग हो रही है। अगर पुट पे सेलिंग है दैट मीन्स बुलिश है, कॉल पे सेलिंग है दैट मीन्स बियरिश है, ये नोट कर लीजिए, आपके माइंड में रहेगा और आपको याद रहेगा, ठीक है। अब आपको एक चीज देखकर बताइए, अगर आप लोग बार देख रहे हैं, ये जो बार्स आपको देखने को मिल रहे हैं, इस बार से आपको क्या पता चल रहा है, सबसे ज्यादा जो बार बन रहे हैं वो कॉल साइड में बन रहे हैं कि पुट साइड के बन रहे हैं। क्लियरली कोई भी कह सकता है हाईएस्ट बार जो बन रहा है वो कॉल साइड का बन रहा है। अब आप देख सकते हैं ये वाला जो बार है, यहां पर हम लोगों ने देखने को मिल रहा है 15,800 पे सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग हुई है, 15,800 पे सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग है और 15,900 पे बहुत कम है। अब आप देख रहे हैं कॉन्क्लूजन, देखिए किस तरीके से समझ में आ रहा है। अभी हम लोग ऑप्शन चेन में क्या देख रहे थे यार, 15,800 है और जो कि एक रेजिस्टेंस का एक्ट कर रहा है, और 15,900 भी है, बट अगर हम लोग जैसी ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट पे आए तो हमें पता चला यार सबसे ज्यादा तो 15,800 पे कॉल राइटिंग हो रही है, मतलब वो सबसे ज्यादा हेवी रेजिस्टेंस एक्ट कर सकता है कल के ट्रेडिंग सेशन पे, ठीक है। सो अगर कल आप लोगों को थोड़ा बहुत ऊपर भी मिलता है तो आप लोग 15,800 की कॉल को भी शॉर्ट करके चल सकते हैं, और उसके साथ 15,900 को भी कॉल की शॉर्ट करके चल सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर आप देख रहे हैं 15,850 पे सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग हो रही है, 15,800 पे सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग हो रही है, 15,750 और 15,700 में भी सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग हो रही है। अब आप एक चीज देखिएगा, ये आप लोगों को एक बीच में लाइन दिख रही है, ये बीच में लाइन हमें बता रही है कि 15,700 है, मतलब एट द मनी है, अभी जो क्लोजिंग प्राइस है निफ्टी का वो 15,700 है। तो हम लोगों को देखना है कि एग्जैक्ट 15,700 पे क्या हो रहा है, हम लोगों को सबसे पहले उस पे स्टडी करना है। सो आप देखिएगा 15,700 का जो कॉल है
उस पे सबसे ज्यादा हम लोग देख रहे हैं कि ओपन इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है, जो कि सेलिंग साइड मतलब सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग हो रही है। और अगर हम लोग पुट देखें, पुट तो देख ही नहीं रहा, देख रहे हैं कितना छोटा सा पुट दिख रहा है, ये देखिएगा एक सेकेंड, पुट देखिएगा कितना छोटा आप लोगों को देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यानी कि पुट राइटिंग कम हो रही है 15,700 पे, और 15,700 पे कॉल राइटिंग ज्यादा हो रही है, इससे इंडिकेशन मिल रहा है कि मार्केट बहुत ज्यादा बियरिश है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग आगे बढ़े तो ये जो पुट है, ये पुट साइड बता रहा है कि पुट राइटिंग हो रही है, दैट मीन्स यहाँ पर लोग बाइंग करके बैठे हुए हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर लोग पॉजिटिव है, सपोर्ट का एक्ट कर रहा है। यहाँ रेजिस्टेंस पता चला कि 15,800 तो ब्रेक ही नहीं हो रहा ओपन इंटरेस्ट पे, सो आप लोग अपना एक रेजिस्टेंस बना सकते हैं ओपन इंटरेस्ट पे 15,800 का। अब आते हैं सपोर्ट पे, तो सपोर्ट हमें पता चल रहा है कि यार 15,700 पे भी सबसे ज्यादा पुट राइटिंग है, एंड 15,550 पे भी है, और 15,500 पे भी, मतलब इन टोटल 15,600 से 15,500 ये एक सपोर्ट का एक्ट कर सकता है। सो यहाँ पर अगर बेस्ट ट्रेड चाहिए, सो अगर कल हल्का सा गैप अप ओपन होता है, सो वहां पर आप लोग 15,800 की कॉल को शॉर्ट करके चल सकते हैं, और वहां पर आप लोगों को ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता है, बिकॉज क्लोजिंग है 15,700 की, सपोर्ट है 15,600 का। तो अगर 100 रुपए ही आपको चाहिए, 100 रुपए 70 रुपए, तो आप लोग वहां पर शॉर्ट बना सकते हैं 15,600 से 15,580 पे, बढ़िया सपोर्ट मार्केट ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से ले सकता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। तो कॉन्क्लूजन पता चल रहा है कि मार्केट ऑन बाय स्टडी द ओपन इंटरेस्ट, हम लोगों को पता चल रहा है कि मार्केट अभी बियरिश है एंड लोअर, मतलब लोअर डाउनसाइड है, दो चीजें लिख सकते हैं, बियरिश प्लस लोअर डाउनसाइड। लोअर डाउनसाइड क्यों? बिकॉज ज्यादा डाउनसाइड नहीं है, क्योंकि यहां पर पुट राइटर भी बहुत ज्यादा बैठे हुए हैं। इसके अलावा एक फीचर और इसके अंदर है मल्टी स्ट्राइक ओपन इंटरेस्ट का। मल्टी स्ट्राइक ओपन इंटरेस्ट पे अगर हम लोग चलते हैं, सो यहां पर हम लोगों को बताता है ये पर्टिकुलर चीज, हम लोगों को एक चीज बताती है, ये देखिएगा ये जो ब्लैक कलर से आप लोगों को देखने को मिल रहा है ना, ये ब्लैक कलर है निफ्टी का स्पॉट प्राइस, ठीक है। और ये जो आप लोगों को रेड कलर की दिख रही है लाइन, ये रेड कलर की लाइन है 15,800 का कॉल, 15,800 का कॉल, और ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये 15,800 की पुट है। अब आप एक बात बताइए, आज के मार्केट में हुआ क्या? आज के मार्केट में हम लोगों को आखिरी के समय में गिरावट आते हुए देखने को मिली। अब एक चीज बताइए, अगर आखिरी के समय में हम लोगों को गिरावट आते हुए देखने को मिल रही है, तो क्या पुट का प्रीमियम बढ़ेगा या कॉल का प्रीमियम बढ़ेगा? ऑफ कोर्स यार पुट का प्रीमियम बढ़ेगा ना, अगर मार्केट में गिरावट आ रही है। यहां देखिएगा क्या हुआ, मार्केट गिर रही है और ये जो रेड कलर का जो कॉल है 15,800 का, वो बढ़ रहा है। वो क्या बढ़ रहा है? उसका ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। जब मार्केट गिर रही है, कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि 15,800 का सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। और 15,800 का पुट देख रहे हैं, पुट का ओपन इंटरेस्ट बहुत तेजी से गिर रहा है, साइडवेज है। सो एक चीज तो पता चल रही है कि 15,800 कल के ट्रेडिंग सेशन पे ब्रेक ही नहीं होगा, 15,800 ब्रेक ही नहीं हो सकता। सो कितना भी पास मिल जाए 15,800 के, आपको वहां पर शॉर्ट पोजिशन बना के चल नहीं है, ठीक है। अब यहां पर हम लोगों को पता चल रहा है कि कॉल का हम लोगों को ओपन इंटरेस्ट बहुत तेजी से साइड में बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। हम और ऐड कर लेते हैं, 15,900 की कॉल को भी ऐड करते हैं, 15,900 की कॉल को ऐड कर रहा हूं, तो उसका ओपन इंटरेस्ट गिरते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब वहां पर जो लोगों ने कॉल को शॉर्ट करा हुआ है, वहां से निकल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ज्यादा पोजिशन इतनी ऊपर मार्केट जा नहीं सकता। सो हमें मल्टी स्ट्राइक ओपन इंटरेस्ट से भी यही कंक्लूजन मिला कि देयर इज अ heavy bearish position with a limited downside. There is a bearish position on the market tomorrow with a limited downside. ठीक है, आई होप आप लोगों को गाइस समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं FII डाटा का। सो FII डाटा पे मैं आ चुका हूं यहाँ पे, आप लोगों को सबसे पहले यहां पर एक चीज देखनी है। अभी हम लोगों ने एक चीज समझी थी, यहां देखिएगा, ये देखें आप लोगों को FII डाटा यहां पर देखने को मिल रहा है, एंड यहां पर आप एक चीज देखिएगा, ये जो रेड कलर का साइन है, ये जो रेड कलर का साइन है, ये रेड कलर का बार हमें इंडिकेट कर रहा है, एक सेकंड मैं इसे थोड़ा सा ना जूम आउट कर देता हूं, यस, ये जो रेड कलर का हमें इंडिकेशन दे रहा है बार, ये हमें बता रहा है पुट, और ये जो ग्रीन कलर का, ये हमें बता रहा है कॉल का। सो आप देख रहे हैं पुट सबसे ज्यादा इनके पास पोजीशन है, पुट पे सबसे ज्यादा पोजीशन है अकॉर्डिंग टू कॉल पे, यहां पर भी अकॉर्डिंग टू पुट पे। अब आप देख रहे हैं पुट पे सबसे ज्यादा पोजीशन है एंड मार्केट नीचे आ रही है, आप देख रहे हैं मार्केट नीचे आ रही है और पुट पे सबसे ज्यादा पोजीशन है। सो यहां पर इन लोगों ने पुट ज्यादा बाइंग कर रखी है अकॉर्डिंग टू कॉल पे, और मार्केट नीचे आ रही है, यानी कि इनका इंडिकेशन भी बियरिश है।
ठीक है। इसके अलावा हम थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो हम लोगों को पता चल रहा है इंडेक्स फ्यूचर तो इन लोगों ने बाय कर रखा है। अब यहां पर इन लोगों ने एक हेजिंग कर रखी है, इन लोगों ने ऑप्शंस पे शॉर्ट पोजीशन बना रखी है एंड फ्यूचर पे बहुत कम क्वांटिटी पे फ्यूचर बाय कर रखा हुआ है, इसको हेजिंग कहते हैं। ठीक है, तो सारा इंडिकेशन हम लोगों को पता चल रहा है कि मार्केट बियरिश है। आते हैं एक बार आखिरी बार टेक्निकल्स पे एंड यहां पर हम लोग स्टडी करते हैं किस तरीके से मार्केट अब रिएक्ट कर रही है। ठीक है, सो हम लोगों को एक चीज तो पता चल गई, डबल टॉप है, 15,900 से 15,800 ब्रेक होना इम्पॉसिबल है कल की मार्केट के अंदर अकॉर्डिंग टू ऑल द डाटा डैट वी स्टडीड। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 15,900 की कॉल को शॉर्ट, 15,800 की कॉल को शॉर्ट कर सकते हैं, वहां पर हम लोगों को ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी मिल सकती है। मैंने आपको क्या कहा, मार्केट पुट कॉल रेशियो की वजह से साइडवेज भी दिखा रही है। सो अगर आप लोग कॉल पुट को बाय करके चलोगे, पुट को अगर आप लोग बाय करके चलोगे तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि अगर मार्केट साइडवेज आती है तो डिके की वजह से आप लोगों को लॉसेस भी देखने को मिल सकते हैं। सो डेफिनेटली कल एक ऑप्शन राइटर का पैसा बनने वाला है और अगर कल एक हेवी सेलिंग आती है तो ऑप्शन बायर का भी पैसा बन सकता है। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसे थॉरली आप लोगों को समझाऊं एक डेडिकेटेड वीडियो में कि आप लोग को कुछ नहीं करना, आप लोगों को चार्ट्स भी नहीं आते होंगे तो भी आप लोग बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं, तो आप लोग मुझे बताइएगा। और इस वीडियो के अंदर 1000 लाइक्स आते हैं तो मैं आप लोगों के लिए डेफिनेटली बनाऊंगा। आई होप आप लोगों को कल का सिनेरियो पता चल गया होगा, निफ्टी बियर एशिया तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी भी बियर एशिया। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग टू मी। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं वो डिटेल डेडिकेटेड एनालिसिस की वीडियो बना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग टू मी लिसनिंग दिस होल वीडियो। अगर आपको पसंद आई लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो पे। बाय बाय।